आरोही कश्यप बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। टीवी में इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, एज एक्टर बहुत कम प्ले करने को मिलते हैं। आई एम वेरी लकी, मुझे मेरे पहले शो में, मेन लीड शो में ऐसा कैरेक्टर मिला। अलग अलग शेड्स हैं इस कैरेक्टर के, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और बहुत ही प्यारी सी लड़की है, छोटे शहर की लड़की है, शिमला की, हिमाचल प्रदेश की ये स्टोरी है। अर्जुन, इससे पहले शो काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी हिट था, और एक शो है, इसके काफ़ी क्या उम्मीदें हैं और आपका किरदार किस तरह? देखिए, मुझे अपने हर शो से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि वो अच्छा ही करे। हर एक्टर चाहता है कि उसका शो अच्छा, और कि सारे एक्टर बहुत मेहनत करते हैं अपने किरदार पर। कुछ शो चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, बट आई एम श्योर एवरी एक्टर वर्क्स रियली हार्ड बिकॉज 12 घंटे शूट होती है। हैविंग सेड दैट, मैं पहली बार टीवी पर कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो शायद मैंने पहले कभी नहीं किया है, एंड मेरे लिए भी अपने आप में एक चैलेंज है और एक डर भी है, नर्वसनेस भी है। टुडे आई कैन से आई एम अ लिटिल नर्वस। सी, बिकॉज जब आप कुछ अलग करते हो, कुछ नया करते हो, तो आप ऑडियंस का जो रिएक्शन है या ऑडियंस ने उसको कैसे परसीव किया, या यू नो वेदर दे लाइक इट, दे डोंट लाइक इट, या किरदार शो एक अलग बात होगी, आपका किरदार लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका काम जो उसमें है वो पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब जानने की एक यू नो उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है। तो इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि मैं जानना है, अभी दो दिन बचे हैं, शो लॉन्च होने ही वाला है, और अगले हफ्ते तक यू नो थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा आ जाता है कि जब TRP आएगी या जब रिव्यूज़ आएंगे या तो कि शो कैसा है और लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। तो बस आई एम अ लिटिल नर्वस, लेकिन आई जस्ट होप ऑडियंस जैसे हर बार साथ दे। मैं दीप रायचंद, अमीर बिजनेसमैन है, टी इस्टेट का मालिक है, और साथ में श्रूड भी है, थोड़ा मैन्यूपुलेटिव है, जो उसे हासिल करना है वो उसे हासिल करके रहता है, एंड बहुत ही इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है, तो इट मेक्स हिज कैरेक्टर लिटिल कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे लेयर्स है, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी आप देखेंगे कि वो कुछ कुछ चीज़ें जो उसने की हैं वो क्यों की हैं, कैसे की हैं, और क्या आगे करेगा। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ इज़ अ लिटिल एजियर एंड बोल्डर, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये किरदार प्ले करने का मौका मिला है। बिल्कुल, एक पोस्टर में आप देखेंगे आरोही के हाथ में शार्प एजेड छुरी टाइप है, एक में आप देखेंगे कि कांच है एक्चुअली, एक में आप देखेंगे कि दीप के हाथ में है। तो एक्चुअली कौन किसको काटने वाला है, मारने वाला है, ये तो देखने जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। यही कहना चाहूँगी कि हम सब ने शो पे, इस शो के प्रोड्यूसर्स ने, चैनल ने, पूरी टीम ने, एक्टर्स ने, डायरेक्टर ने, सब ने बहुत मेहनत की है, एक एक किरदार पे मेहनत हुई है, हर चीज़ पे मेहनत हुई है। तो अब हमारा शो दो दिन बाद लॉन्च हो जाएगा, तो प्लीज़ आप देखिए और पसंद कीजिए। या 20th September ओनली ऑन कलर 7:30, एंड 20th September इज़ अ वेनसडे, सो यस, डोंट फॉरगेट दैट। नमस्कार, मेरा नाम है विनीत रैना। इश्क में मर जावा एक जो आज तक जिस तरह के शोज़ बनते आ रहे हैं, जैसे सास बहू आता है या फिर रिलेशनशिप्स पे आता है, ये भी एक रिलेशनशिप है, एक लड़के और लड़की की कहानी है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार जो है वो सारी हदें पार कर चुका है और उस प्यार में वो लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं शो में, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो तब कहानी में एक क्राइम ब्रांच से एक सीनियर इंस्पेक्टर्स वाला है, किसी की नहीं सुनता, चाहे वो कोई भी ऑफिशियल हो, कोई भी सीनियर हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, ये किसी की नहीं सुनता, ये वही करता है जो इसकी ड्यूटी के अंतर्गत इसको करना चाहिए, किसी से नहीं डरता, बहुत ही स्टाइलाइज्ड है और बहुत ही स्टाइल में रहता है और अपने हिसाब से काम करता है। देखिए, ईजी उस मैनर में था कि मैंने पुलिस वालों को मेरे पूरी फैमिली में देखा है, मैंने आर्मी, मेरे पूरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से है, इनको देखा, इनके मैनरिज्म्स अलग अलग होते हैं हर किसी के, लेकिन ये जो लक्ष्य प्रधान जो है, ये एक अलग तरह का कैरेक्टर है, ये कब कब
किस मूड में होगा कोई भी बता नहीं सकता, ये अचानक से हंस देगा, अचानक से स्नैप कर देगा, तो वो बदलाव लाना हर डायलॉग में, कहाँ पर क्या करना चाहिए, उसमें बहुत तैयारी करनी पड़ी मुझे एज ए परफॉर्मर। तो बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल था, इसलिए मैंने ये रोल चुना करने के लिए। तो मुझे भी करने में बहुत मज़ा आया, आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा, और आप लोग चाहेंगे कि हर पुलिस वाला ऐसा ही हो। नहीं देखिए, जब दो लोग प्यार में पागल हो जाते हैं और कुछ भी करने को राजी हैं, तो वो लोग चीज़ें करते रहेंगे, और उसी में हमारा काम वही है कि हम कहानी को वैसे ही बांध के रखें कि ये चोर पुलिस का खेल जो है वो चलता रहे। हम लोग कोशिश करेंगे, डिपेंड करता है कि ऑडियंस को कितना मज़ा आएगा देखने में। तो एक एंटरटेनमेंट पैकेज बनाया है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स।